बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन एंड फिट। वेलकम टू मैथ्स क्लास स्टूडेंट। मैथ्स का हमारा 9 लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1B वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम वर्किंग कर रहे थे, आज हम वर्किंग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 से। सबसे पहले हम इसे केयरफुली रीड आउट करेंगे। अ शॉपकीपर अर्न रेट 170,920 इन वन ईयर, एक साल में वो इतने पैसे कमाता है। इट हिज इफ़ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर्स वर रेट 129,486। इतने उसके एक्सपेंसिव है स्टूडेंट, इतना वो कमाता है और इतने उसके अखराज आते हैं। फाइंड क्या करना है आपने, हाउ मच मनी डिड ही सेव, कि वो सेव कितने करता है। तो स्टूडेंट हाउ मच मनी से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा किसका कीवर्ड है, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। तो स्टूडेंट इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि आपको बता दिया कि एक साल में वो इतना कमाता है, उसकी कमाई इतनी है और इतने ही उसके अखराजात कितने हैं वो भी आपको बता दिया। आपने क्या करना है, उसकी सेविंग बतानी है कि वो कितने पैसे सेव करता है। तो डेटा बनाएंगे सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, क्या गिवन है स्टूडेंट, अर्निंग गिवन है उसकी एक साल की, एक साल की उसकी कमाई है। आपको पता है कि इतना वो एक साल में कमाता है। अर्निंग इन वन ईयर कितनी है, 170,920। और सेकंड इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, उसके अखराजात कितने हैं, एक साल में वो कितने खर्च करता है पैसे। एक्सपेंसेस इन वन ईयर कितने हैं उसके एक्सपेंसेस, 129,486, ये उसके अखराजात हैं। अब स्टूडेंट रिक्वायर्ड क्या है, क्या हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है सेविंग कि एक साल में वो कितने पैसे सेव करता है। सेविंग इन वन ईयर आपको क्या गिवन था, अर्निंग इन वन ईयर आपको गिवन थी, एक साल की कमाई आपको गिवन थी, एक्सपेंसेस वन ईयर एक्सपेंसेस आपको बताए थे कि एक साल में उसके इतने एक्सपेंसेस हैं, उसके इतने अखराज आते हैं। आपने क्या फाइंड करना है, उसकी सेविंग फाइंड करनी है। स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू लार्ज अमाउंट है, ठीक है। वन सेम है, सेवन और टू, सेवन आपको पता है बिग वैल्यू है तो हम वो वाली वैल्यू पहले कॉपी करेंगे। 170,920 ये उसके अर्निंग थी, अब एक्सपेंसिव लिखेंगे राइट साइड से नंबर के नीचे नंबर आप कॉपी करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता है, वन कैरी लेंगे, टेन हो जाएगा और पीछे रह जाएगा वन। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 9 से हम कैरी लेंगे 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, कॉमा पुट करेंगे, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1, 7 से 1 कैरी देंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो स्टूडेंट ये उसकी क्या है, सेविंग है, इतने पैसे वो सेव करता है एक साल में। स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, जो आपने रिक्वायर्ड में लिखा था वही स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिखेंगे, जो आपने सॉल्यूशन में आपका आंसर आएगा वो आपने पुट करना है। सेविंग इन वन ईयर कितनी थी उसकी सेविंग एक साल की, 41,434, दिस इज फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी मैं आपको बेस बता देती हूँ कि उसके बेसिक पॉइंट क्या हैं ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट इसमें आपको गिवन है कि लार्जेस्ट डिजिट और आपको स्मॉलेस्ट डिजिट, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। 0 से 9 तक आपके पास क्या है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, इसका एक ही डिजिट आपको नज़र आ रहा है, 0 भी एक डिजिट है,
1, 2, 3, 4, ये सब एक एक डिजिट है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 1, 0। 0 से और तो कोई छोटा नंबर नहीं है ना, 0 सबसे छोटा नंबर है, एक डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। और बाकी सब आपको पता है कि ये सब 1 डिजिट नंबर हैं। तो ये 9 क्या हो गया आपके पास? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्योंकि 9 में जैसे ही आप 1 प्लस करेंगे या 9 से आगे आपको वारंट 10 मिल जाएगा, और 10 में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं। तो 9 क्या है आपके पास? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और 0 आपके पास स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है। 10, 11, 12 सो ऑन 99 तक स्टूडेंट आपके 2 डिजिट नंबर चलेंगे। तो ये आपके पास 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्योंकि इसमें से 10 में जैसे आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, 1 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है आपके पास, और 99 आपके पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 में तो 3 डिजिट होते हैं, तो 99 आपके पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। देन स्टूडेंट 100, 100, फिर 999 तक ये 3 डिजिट नंबर चलेंगे, ठीक है। तो 100 आपके पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और 999 आपके पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। जैसे 999 में आप 1 प्लस करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 डिजिट में। तो 999 आपके पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। आपको 3 कहा जाए, 3 डिजिट नंबर आपने लार्जेस्ट निकालना था, तो आपने 39 लिखना है। अगर 4 डिजिट कहेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट, तो आपने 49 लिखना है। अगर 5 कहें तो आपने 59 लिख देना है। यहाँ देखें आप, 100 के ये 1000 क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और 9999 आपके पास क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ये आगे भी स्टूडेंट ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि स्मॉलेस्ट डिजिट किसे कहते हैं और लार्जेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब स्टूडेंट प्रॉब्लम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, और इसका फाइंड क्या करना है आपने? डिफरेंस। डिफरेंस किसका कीवर्ड था स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन का। तो हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। डेटा बनेगा गिवन क्या है आपको? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या गिवन है आपको? 6 डिजिट, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर। तो वो कैसे हम काउंट करेंगे कि 6 डिजिट आने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 हो गए। और क्या आपको गिवन है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपने क्या करना है? 49 लगा देना है। लार्जेस्ट में तो सिंपल, आपको जितने डिजिट कहा जाए आपने उतने 9 लिख देने स्टूडेंट, क्योंकि जैसे हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये स्टूडेंट? 9999 में जैसे हमने 1 प्लस किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 डिजिट नंबर में। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999। रिक्वायर्ड में हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपको पता है इसके डिजिट इसमें ज्यादा है तो ये नंबर आपके पास बड़ी वैल्यू है, और उसमें डिजिट कम है तो वो स्मॉल वैल्यू है। तो पहले हम लिखेंगे 100,000 और 9999, इसमें को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम किस में से कैरी लेना शुरू कर देंगे? 1 से। 1 से हम नेक्स्ट नंबर को कैरी देना शुरू कर देंगे 10, फिर अगेन हम नेक्स्ट नंबर को दे देंगे कैरी, 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को दे देंगे, लास्ट नंबर तक हमने कैरी दे दिया। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। यहाँ क्या रह गया? नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 एज इट इज आ जाएगा। तो सुनिए ये क्या आ गया? 90,001।
और स्टेटमेंट में स्टूडेंट आपने जो रिक्वायरमेंट में लिखा था वही आप स्टेटमेंट में लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटाकर आपका जो सॉल्यूशन में आंसर आया आप वो पुट करेंगे जस्ट। ओके, आपका आंसर क्या आया? 90,001। इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। स्टूडेंट असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 7 आपने खुद कॉपी पर सॉल्व करनी है, लेकिन मैं इसको आपको रीड करके बताऊंगी कि आपने इसमें क्या करना है, और डेटा भी मैं बना कर दूंगी आपको, सॉल्यूशन आपने खुद करना होगा। प्रॉब्लम क्या है? स्कूल इन द विलेज नीड्स 400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। गांव में एक स्कूल है, उसकी न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें इतने पैसे चाहिए हैं। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड रेट 150,000। मिस्टर अब्दुल ने इतने पैसे डोनेट किए हैं, दे दिए हैं बिल्डिंग के लिए। फाइंड क्या करना है? हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। आपको ये बताना है कि जो मिस्टर अब्दुल ने डोनेट किए हैं इसके अलावा और हमें कितने ज़्यादा पैसे चाहिए कि 400,000 पूरे हो जाए। तो इसमें हमने हाउ मच मोर से आपको पता चलना चाहिए ये किसका कीवर्ड है, सब्ट्रैक्शन का। डेटा बनाएंगे, गिवन क्या है आपको? सबसे पहले आपको गिवन है नीड्स मनी, मतलब हमें न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो नीड्स मनी फॉर अ न्यू स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए हमें? 400,000। और दूसरी आपको क्या चीज गिवन है स्टूडेंट, कि मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, मिस्टर अब्दुल ने डोनेट किए कितने पैसे एक स्कूल की न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, इतने पैसे उन्होंने डोनेट किए, इतने पैसे उन्होंने दिए। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड फॉर अ न्यू स्कूल बिल्डिंग रेट 150,000। मिस्टर अब्दुल ने स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए दे, रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट? हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, और ज़्यादा कितने पैसे हमें चाहिए, क्योंकि 150,000 तो हमारे पास आ गए और हमें 400,000 के लिए कितने और पैसे चाहिए। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ न्यू स्कूल बिल्डिंग। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट आपको बड़ी लग रही है बट बहुत ईजी है, बार बार आपने वही चीजें लिखनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फोर हंड्रेड थाउजेंड वाली वैल्यू बड़ी है तो वो पहले लिखेंगे हम, आप खुद करेंगे और फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में जो रिक्वायर्ड में लिखी है वही आप यहाँ लिखेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पुट करना है, और वो आप सबसे पहले लिखेंगे जहाँ मैंने डैश डाल दिए, ये यहाँ पर वो लिखेंगे जो आपको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप वो यहाँ पुट करेंगे जहाँ मैंने ये डैश लगाई है। ठीक है, डैश मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ न्यू स्कूल बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट, मैंने स्टेटमेंट भी आपको बता दिए, आप रिक्वायर्ड भी क्या है, डेटा सारा मैंने आपको बना दिया। जस्ट आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है और आंसर पुट करना है स्टेटमेंट में। ओके स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।